तो दोस्तों कई तरीके होते हैं दो मेटल पीस को जोड़ने के लिए, जिनमें से एक वेल्डिंग है। नट बोल्ट की सहायता से भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं, और उसी के साथ एक चीज़ और होती है कि स्क्रू पेच उस टाइप का कुछ होता है। परंतु आप लोगों को ये गाड़ी दिखाई दे रही है, तो गाड़ी के जो नंबर प्लेट आते हैं सरकारी, उनको लगाने के लिए एक मशीन का यूज़ किया जाता है, और उसके अंदर लगती हैं रिपट। उनको यहाँ पे रिपट ही कहा जाता है, और आप लोग देख लेना वीडियो में आपके यहाँ पे क्या कहा जाता है। भी बोलते हैं रिबिट, रिबिट भी कहा जाता है उनको, तो देसी भाषा में रिपट कहते हैं, वैसे रिपिट कहते हैं, क्योंकि भाई को ज़्यादा पता है कि सिटी का नंबर प्लेट की दुकान है, आप सभी लोग जानते होंगे, भीम भाई हमारे। तो यहाँ पे आज जो रिबिट लगाने वाली जो मशीन है, उसकी अनबॉक्सिंग भी है, और उसकी वर्किंग देखेंगे किस तरह से वो वर्क करती है, और रिबिट के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो अंदर जाकर रुक जाती है, उसको लगाकर भी देखेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए जो रिबिट मशीन है वो हमारे पास यहीं पे है, क्योंकि ये एक ऐसा सामान है जो भीम भाई के काम तो आएगा ही आएगा, परंतु आप लोगों को दिखाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग से चीज़ है, क्योंकि ये मेटल पीस को जोड़ने का एक अनोखा तरीका है, जिससे हम दो मेटल पीस को आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये तो है वो मशीन जो कि इस रिबिट को लगाती है, किसी भी मेटल पीस को जोड़ने के लिए काम आती है, और सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो मैं ये स्पेशल इसी के लिए लाया हूँ क्योंकि ये मेरे को काफ़ी पसंद आया, इसका जो तरीका था लगाने का, रिबिट को लगाने का एक अलग तरीका था। तो ये रिबिट है और इनसे इनमें लगाया जाता है। अब पहले तो एक को खाली लगा कर देखेंगे और देखते हैं किस तरह से वर्क करती है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ लगाने के लिए भी है। एक नंबर प्लेट पुरानी वाली है, भीम भाई के पास से ही ले ली थी, सस्ते में काम हो गया। और भाई आप लोगों को बता देता हूँ, ये लगभग 350 की आई है, 300 की हमें अपनी मार्केट से मिली है, आप लोगों को जो भी मिले वो आप लोग जाने। तो ये इसके अंदर केबल ये होता है, और पीछे इसके ये पूरा के पूरा पेज लगा हुआ था, इस पर कुछ लिखा हुआ है, ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अलग से लेनी पड़ती है हमें, इनके सबके अलग अलग साइज होते हैं। ये आधा इंच की आती है, और ये वाली, ये छोटी वाली है आधा इंच की आती है, और ये बड़ी वाली है ये 1 इंच की आती है, ये 2 इंच की भी आती है, 3 इंच की भी आती है, और इनकी मोटाई भी कम बढ़ती हो जाती है एमएम के हिसाब से। तो दोस्तों ये है वो रिविट जो कि इसके मशीन के द्वारा लगाई जाती है, और काफ़ी आप लोग यकीन नहीं करोगे काफ़ी मजबूत जॉइंट होता है इसका। जो गवर्नमेंट नंबर प्लेट अप्लाई करती है कार्स वगैरह पर, व्हीकल वगैरह पर, नंबर का थोड़ा इश्यू आ जाएगा, नहीं मैं आप लोगों को दिखा देता, मेरी गाड़ी में भी लगा हुआ है। तो जो गवर्नमेंट नंबर प्लेट अप्लाई करती है व्हीकल्स वगैरह पे, तो उनमें इसी रिबट से लगाया जाता है, बाकी स्क्रू वगैरह से या पेच वगैरह से नहीं लगाने देते, अलाव ही इस चीज़ का है। और ये मशीन है जिसके द्वारा इसको लगाया जाता है, और भी आती हैं, परंतु ये छोटी वाली है क्योंकि हमारे जो एक्सपेरिमेंट है वो छोटी वाली से कंप्लीट हो जाएगा। ये वन हैंड यूज है, एक डबल हैंड वाली भी आती है, बट ये ज्यादा बेटर होती है। दो तीन तरह की, दो तीन साइज में, दो तीन शेप में आती है, अलग अलग तरह की आती है। तो भीम भाई इसके बारे में और कुछ बताना चाहोगे? और भाई मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा, आपने ये मशीन को देख ली, इसमें ये चीज क्या है, ये नोटिस, ये आपको लगेगा कि ये चीज क्या है, तो इस चीज के बारे में भीम भाई बताएंगे। भीम भाई क्या है ये? ये चीज ये होती है जो हमारी ये रिबिट लगती है, ये रिबिट के साइज होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इसका पतले वाला है ये वाला, इसका ये पतला, इसका ये मोटा है, तो इसके हिसाब से ये तो इसमें फिट बैठ गया, ये बैठ गया, ये बड़े वाला इसमें फिट नहीं बैठेगा, ये बड़े वाला इसमें फिट नहीं बैठेगा, बड़े वाले के लिए हमें लेना पड़ेगा ये वाला। तो ये वाला कहाँ से चेंज करेंगे? ये की है, ये की भी इसी में आई है, यहाँ पे ये ऐसे लगी हुई थी, यहाँ पे ये साथ आई है इसके, तो हम इस वाले को ऐसे खोलेंगे। तो भीम भाई आप लोगों को खोल के दिखाएंगे, तो ये खुल गया है यहाँ से, ये हम इसे यहाँ से खोल लेंगे, ये तो यहाँ से खुल गया। अब हमें चाहिए बड़ी वाली रिपिट के लिए, ये बड़ी वाली रिबिट है, इसके लिए हमें ये वाला चाहिए, तो ये वाला हम खोलेंगे, यहाँ से खोल के यहाँ से यहाँ लगा देंगे, और उसके बाद हम बड़ी वाली रिबिट के साथ अच्छी तरह से इस मशीन को वर्क करा पाएंगे। तो ये तो दोस्तों हो गया इनका वर्क, जो मैंने आप लोगों को भीम भाई ने बताया कि अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग आते हैं, इनको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। परंतु इसके अंदर मुझे एक चीज दिखी थी, उसको आप लोगों को भी दिखाना चाहूंगा, जिसको ऐसे खोलते हैं, तो खोलने के बाद इसके अंदर की जो वर्किंग है वो हमें यहाँ से थोड़ी सी दिखाई देगी, क्योंकि नई मशीन है, इसको मैं ख़राब नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैं इसको खोलना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये होता है जो अंदर, जो अंदर से आपको ये दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, तो ये पकड़ता है आपकी रबट को इस तरह से, जैसे इसके अंदर डालते हैं तो ये पकड़ लेता है, और इस तरह से जैसे इसने पकड़ लिया, और जब इसको खींचेंगे तो ये अंदर की तरफ इसको
खींच लेगा। इसके अंदर दांते टाइप का कुछ बना रहता है। तो दोस्तों अब इसको यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया और बीच में एक ट्रेजडी हो गई थी हमारे पास, एक वाली ये हमने इसके अंदर डाल दी थी और डालने के बाद इतनी दिक्कत आ गई थी कि ये निकालने में काफ़ी मशक्क़त हम लोगों को करनी पड़ी, भीम भाई को भी और मुझे भी और साथ में हमारे अरुण भाई को भी। तो अरुण भाई अब कैसा लग रहा है इसको निकलने के बाद, शांति है? शांति मिल रही है, तो सुख शांति है, अरुण भाई को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको लगाते हैं और एक रिपीट को लगा कर देखते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से वर्क करता है, करता भी है या नहीं करता, क्योंकि सस्ते वाला है। तो इसको इसके अंदर लगाते हैं, मोटी वाली के लिए लगाते हैं पहले हम, जो मोटो वाला तो फर्मा था वही लगाया इसमें, एक डाई कह दो आप या फर्मा कह दो, हमारे यहाँ पे फर्मा कहते हैं। बीच वाला, हाँ बीच वाला, सॉरी ये है मोटे वाला ये है और ये बीच वाला है और ये सबसे पतले वाला है, ये इससे सेकंड है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको लगा कर देखते हैं। तो भीम भाई ये वाली ले लो, ये वाली दे दो। तो इसकी जो वर्किंग है उसे देखने में अलग से मजा आया, क्योंकि ये एक अलग तरह की चीज होने वाली है आप लोगों के सामने आज। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी मशीन है उसको हमने लोड कर लिया है और लोड करने के बाद इसको लगाते हैं इस प्लेट में, और ये देखना बड़ा सेटिस्फाइंग होगा क्योंकि इस चीज को हम कहीं पे भी उस तरह से नहीं देख सकते। जिसे मैं पकड़ता हूँ, इसको भीम भाई पकड़ेंगे और मैं इसको लगाता हूँ। देखने वाली चीज है वो ये है, क्योंकि इस चीज को हम बाहर से नहीं देख सकते यहाँ से अंदर की तरफ से, क्योंकि जो गाड़ी के नंबर प्लेट में लगा हुआ होता है उसको हम केवल बाहर से देख सकते हैं इधर साइड से, तो इधर साइड से हम उसको नहीं देख सकते। तो ये देखने को मिला इस तरह का होता है, बट मुझे लग रहा है कि इस तरह का नहीं होता, ये अलग तरह से होता है, क्योंकि कई बार देखा है कि जो रिबिट वगैरह होती है उनको जब काटते हैं तो आसानी से निकल जाता है, और ये मेरे हिसाब से नंबर प्लेट को नहीं निकलने देगा, ये नहीं निकलने देगा। तो एक बार और ट्राई करें भीम भाई, बिना किसी चीज को लगाए डायरेक्ट ट्राई करते हैं, क्योंकि पहले हमने इस प्लेट के ऊपर लगाया था, इसके डाई को चेंज कर रहे, क्योंकि बड़ी वाली से इतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आया इसमें लगाया था, तो ये छोटी वाली लगाते हैं और इससे समझ के देखेंगे इसको किस तरह से वर्क करता है। वैसे समझ में तो आ गया, परंतु इसे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अजीब सा कुछ इस तरह का तो नहीं होता होगा मेरे साथ, क्योंकि अंदर से हम लोगों ने देखा नहीं है किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट को, परंतु मेरे हिसाब से इस तरह से तो बिल्कुल नहीं होता होगा। तो एक बार समझ में आ जाएगा इजीली, ये छोटी वाली है तो भीम भाई बोल रहे थे कि इससे समझ में आ जाएगा, तो देखते हैं इससे समझ आता है या नहीं। तो ये इसका सिंपल प्रोसीजर है, एक बार प्रेस करने के बाद जब हम छोड़ते हैं तो ये वापस जाता है, इसको फिर प्रेस करना होता है और फिर खींचना पड़ता है, ये अब यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे और काम फिर लगा के और फिर खींचना पड़ता है, ये देखो ऐसे काम करता है ये। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सपस दिखाई दे रहा होगा ये किस तरह से वर्क करेगा। अब ये इसकी देख सकते हैं इसके में डिफरेंस, ये छोटी वाली है ये वाली भी। अब ये इसकी फाइनल पोजीशन है, अब मैं इसको करूंगा और इसके बाद ये कट जाएगा यहाँ से, ये निकला और जो कटने वाला है वो भी हमें दिखाई दे जाएगा, और ये वाला शायद इस तरह से निकलेगा। भीम भाई निकालना इसको, तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है जो छोटी वाली रबड़ थी हमारी, उसका ये हाल हुआ है, इतना बड़ा साइज था और इस तरह का ये हो गया, और ये वाला इसका जो हिस्सा दूसरा भीम भाई को निकालने के लिए दिया था वो है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह का कुछ वर्क होता है इसके अंदर। तो ये चीज बनानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि अंदर से बाहर से तो हम सभी ने देखा है इस तरह का ही होता है, परंतु अंदर से हम लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा था, तो इस वजह से इस मशीन को आज लाया गया, क्योंकि ये मशीन भीम भाई के भी काफी काम आने वाली है, क्यों भीम भाई? बिल्कुल काम आने वाली है, तो भीम भाई के काम आने वाली मशीन है, और इसका दिखाना इस वजह से था क्योंकि आप लोगों ने भी मेरे हिसाब से अंदर से नहीं देखा होगा, इसी वजह से हम लोगों ने इसको इस तरह से करके देखा कि जो हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ का नज़ारा दिखाई दे जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी भीम भाई कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं फिर से वही रिपीट चलो वो भीम भाई कल वाली, अगर भीम भाई की बात अगर आपको सुननी है तो कल वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो। अरुण भाई, अरुण भाई कुछ कहना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए, लाइक करें और शेयर करें, फुल सपोर्ट फुल शेयर, और जय हिंद जय भारत।